हमारे को इससे कोई फ़ायदा नहीं है, ना पुलिस को कोई फ़ायदा है, सिर्फ आपको और आपके परिवार को फायदा है अगर आप हेलमेट पहन के सुरक्षित रोड पे चल रहे हैं। कि 100% लोग हेलमेट पहने और जागरूक हो और सरल सुगम सुव्यवस्थित यातायात व्यवस्था दुर्ग सहने बनाने में ट्रैफिक पुलिस का सहयोग करें। ट्रक एसोसिएशन के द्वारा जो रोड में चलने वालों को ही सबसे पहले उन लोगों को ध्यान दिया गया है और उनके लिए सुरक्षा के लिए आज हेलमेट बांटा जा रहा है। सबसे ज़्यादा सड़क दुर्घटना में मौत होती है और इन एक्सीडेंट को रोकने के लिए पुलिस भी लगातार प्रयास करती है और आज एक प्रयास भिलाई ट्रक ट्रेलर एसोसिएशन ने भी किया है। यहाँ पर 500 से ज़्यादा हेलमेट फ्री बांटे जा रहे हैं, इसलिए कि लोग अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखें और हेलमेट पहने ताकि वो खुद भी सुरक्षित रहें और अपने परिवार को भी सुरक्षित रखें। तो यहाँ पर एडिशनल SP अभिषेक झा ने आज शुरुआत की है इस फ्री हेलमेट कैंप की। इसके बाद यहाँ पर आज 500 से ज़्यादा उन लोगों को हेलमेट दिए जा रहे हैं जो अपना लाइसेंस दिखा रहे हैं, यानी कि आपके पास गाड़ी के डॉक्यूमेंट पूरे होने चाहिए, आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, तो आपको यहाँ से फ्री हेलमेट मिलेगा। लेकिन आपको बता दूं कि आज से भिलाई में एक नई ट्रैफिक रूल्स भी स्टार्ट हो रहे हैं, वो ये है कि शाम को 6 बजे से रात 9 बजे तक लगातार हर चौक चौराहों पर ट्रैफिक पुलिस के पॉइंट लगेंगे और लगातार चेकिंग होगी। कल कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी ने एक समीक्षा की थी जिसमें ये बताया गया कि सबसे ज़्यादा जो मौत है सड़क दुर्घटना में होती है और जो मौत का समय है वो शाम 6 से 9 बजे तक के बीच का होता है, तो इसलिए ये वक्त काफ़ी संवेदनशील वक्त माना गया और इस समय सबसे ज़्यादा चेकिंग की ज़रूरत होती है। तो आपको बता दूं कि आज से नियम में परिवर्तन भी हो रहा है। इसके अलावा आंकड़ों की अगर बात करें तो पिछले साल पूरे एक साल में 1076 सड़क दुर्घटना हुई थी जिसमें 294 लोग मौत की नींद सो गए सिर्फ इसलिए कि उन्होंने हेलमेट नहीं लगाया था और लापरवाही पूर्वक गाड़ी चलाई थी। यहाँ पर एसोसिएशन से इंद्रजीत सिंह जुड़ रहे हैं। आप लोगों ने आज 500 से ज़्यादा हेलमेट बांटा है और आगे भी ये जारी है, किस तरीके का ये संदेश है? ये संदेश सिर्फ लोगों को जागरूक करने का है। भिलाई ट्रक ट्रेलर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन और यातायात पुलिस के द्वारा आज ये कार्यक्रम रखा गया है और लोगों को सिर्फ उनकी जान के प्रति हमको जागरूक करना है कि भाई आपकी जान है ये, हमारे को इससे कोई फ़ायदा नहीं है, ना पुलिस को कोई फ़ायदा है, सिर्फ आपको और आपके परिवार को फ़ायदा है अगर आप हेलमेट पहन के सुरक्षित रोड पर चल रहे हैं, तो सिर्फ ये आपके लिए। ये जो आज 500 हेलमेट से शुरुआत की है, क्या ज़रूरतमंदों को और भी आगे मुहैया कराया जाए? बिल्कुल बिल्कुल, हमारी एसोसिएशन आप लोग जैसे जानते हैं सामाजिक कार्यों में कहीं ना कहीं हम लोग इन्वॉल्व रहते ही हैं, बेटियों की शादियों के लिए हम लोग सहयोग करते हैं, उसी प्रकार हम लोग हेलमेट के लिए भी यातायात उस व्यवस्था के लिए जागरूक करने में लोगों को लगे हैं और हेलमेट अभी दे रहे हैं और आगे भी अगर कोई सहयोग हमसे लगेगा तो हम करेंगे। बिल्कुल, हेलमेट लगाओ, सुरक्षित रहो। आज ट्रक एसोसिएशन के द्वारा एक अच्छा इनिशिएट किया गया है जिसमें कि 500 हेलमेट बांटने का कार्यक्रम आज यहाँ पे रखा गया था। ये बहुत ही अच्छा काम है। जब ट्रक एसोसिएशन के द्वारा जो रोड में चलने वालों को ही सबसे पहले उन लोगों को ध्यान दिया गया है और उनके लिए सुरक्षा के लिए आज हेलमेट बांटा जा रहा है, ये जागरूकता का बहुत अच्छा कार्यक्रम इन्होंने आयोजित किया है। और पुलिस ने भी हमेशा से ट्रक एसोसिएशन और पुलिस के बीच अच्छा सहयोग रहा है, जब भी पुलिस के द्वारा कोई गाइडलाइन दिया जाता है एसोसिएशन के द्वारा पालन भी किया जाता है और आज इसी तारतम्य में इनके द्वारा लोगों को जागरूक करने आज हेलमेट बांटा जा रहा है और ये अच्छा काम है और लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है इनके द्वारा। और भी कई समाज सेवी संस्थाएं हैं जो इस तरीके से इनिशिएट ले सकते हैं, किस तरीके अपील करना चाहते हैं? हम लोग तो चाहते हैं समाज के सभी वर्ग के द्वारा ऐसा कार्य किया जाए जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जान की सुरक्षा हो पाए, क्योंकि भारत में सबसे ज़्यादा दुनिया में एक्सीडेंट से जान जाने वालों की संख्या ज़्यादा है और हम चाहते हैं कि जितनी कम से कम ये घटना हो और लोगों की कम से कम जान जाए। यातायात को लेकर कल कलेक्टर में बैठक हुई है, क्या कुछ निर्देश और कड़ाई से अब पालन कराया जाएगा शाम? कलेक्टर साहब के द्वारा रोड सेफ्टी के संबंध में मीटिंग लिया गया था। रोड सेफ्टी की मीटिंग के दौरान ये कुछ बातें सामने में आई है कि जो शाम का समय होता है, जो रश आवर रहता है, उसमें कुछ कुछ चीज़ें हैं जो अल्कोहलिक जो होते हैं उनके का अल्कोहल लेने के कारण जो ज़्यादा एक्सीडेंट हो रहा है, उसके संबंध में अब ज़्यादा से ज़्यादा चेक पोस्ट लगाया जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शाम के समय में चेक किया जाएगा और ब्रीथ एनालाइजर से उनका चेकिंग करके उस पर कार्रवाई भी की जाएगी। DSP सतीश ठाकुर जी साथ में हैं और हम जानते हैं कि कल जो एक नई ट्रैफिक नीति बनी वो क्या है, कितने एक्सीडेंट 1 जनवरी से 25 फरवरी के बीच में हुए और सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण समय है एक्सीडेंट का वो क्या है? सर, कल कलेक्टर के साथ बैठक हुई, क्या पूरा नए तरीके से सिस्टम बनाया जा रहा है चेकिंग को लेकर के? कल सड़क सुरक्षा समिति की बैठक आयोजित की गई, प्रति माह सड़क सुरक्षा की समिति के आयोजन किया जाता है और उसमें हम लोग
जो ट्रैफिक के फोर ही हैं, इंजीनियरिंग हो गया, एजुकेशन, इन्फोर्समेंट और इमरजेंसी, सभी पे काम करने का लगातार प्रयास कर रहे हैं पुलिस अधीक्षक महोदय और जिलाधीश महोदय के मार्गदर्शन में। जो ब्लैक स्पॉट है, ग्रे स्पॉट है, उसमें सभी संबंधित विभाग को शीघ्र ठीक करने के लिए निर्देशित किया गया है। और ग्रामीण क्षेत्र में जहाँ एक्सीडेंट होता है वहाँ पर जागरूकता अभियान, अधिक से अधिक लोगों को जागरूक करने के लिए अपील किया गया है। जो नियमों का पालन नहीं करते हैं, ड्रंक एंड ड्राइव करते हैं और हेलमेट नहीं पहनते हैं, उस पर भी लगातार कार्रवाई करने के लिए। और हॉस्पिटल में डॉक्टर साहब को भी यदि कोई घायल व्यक्ति आ रहा है तो उसको तत्काल इलाज मिले, और जो हाईवे पेट्रोलिंग है, एम्बुलेंस है, समय पर पहुंचे और ऐसे व्यक्ति को जान पर बचा सके। तो सभी विभाग को, सभी वर्ग को इसमें शामिल होने के लिए कलेक्टर महोदय द्वारा निर्देशित किया गया है। तो निश्चित रूप से इसका प्रभाव देखने को मिलेगा, सभी लोग जागरूक होंगे। और हमारा आज भी हेलमेट जागरूकता अभियान चल रहा है, ट्रक एवं ट्रेलर एसोसिएशन के द्वारा निःशुल्क हेलमेट वितरण किया जा रहा है। और लगातार लोगों से भी अपील कर रहे हैं कि हेलमेट पहने, उसकी उपयोगिता को समझें। और इस प्रकार की पहल जब समाज के हर वर्ग करता है तो निश्चित रूप से जो जागरूकता आती है लोगों में, और उसमें जो हमारा उद्देश्य भी है कि 100% लोग हेलमेट पहने और जागरूक हो और सरल सुगम सुव्यवस्थित यातायात व्यवस्था दुर्ग शहर में बनाने में ट्रैफिक पुलिस का सहयोग करें। कल एक चीज़ सामने आई थी कि शाम 6 से 9 बजे का समय काफ़ी संवेदनशील माना जा रहा है और हर चौक चौराहों पर, खासकर जो ड्रिंक करके ड्राइव चला गाड़ी करते हैं, गाड़ी ड्राइव करते हैं, उनके लिए विशेष अभियान चलाया जाए, क्या है? जनवरी और फरवरी के जो आंकड़े पे हम लोग एनालाइज करते हैं तो उसमें ये देखने को मिला, जो शाम का 6 बजे से लेकर 9 बजे तक का समय रहता है वो काफ़ी रश रहता है, ट्रैफिक का काफ़ी दबाव भी रहता है, और जो लोग वाहन चलाते हैं वो ड्रंक एंड ड्राइव करके वाहन चलाते हैं, जिससे दुर्घटना की संभावना भी रहती है। तो जो शाम को 6 से 9 बजे तक विशेष चेकिंग अभियान चलाया जाएगा, जो ड्रंक एंड ड्राइव करते हैं उसको न्यायालय भी भेजा जाएगा, उनका लाइसेंस को निलंबन भी किया जाएगा, सभी थानों को ब्रेथ एनालाइजर उपलब्ध कराया गया है। और अधिक से अधिक हम लोगों को जागरूक भी करेंगे और जो नियमों का पालन नहीं करेंगे उस पर इन्फोर्समेंट की कार्रवाई भी की जाएगी। तो आप भी सावधान हो जाइए कि अगर आप गलती से ड्रिंक करते हैं और ड्रिंक करने के बाद गाड़ी चलाते हैं तो आप न सिर्फ आप पे चालानी कार्रवाई होगी बल्कि लाइसेंस भी कैंसिल होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 500 से ज़्यादा हेलमेट बांट रहे हैं, तो जाहिर सी बात है भीड़ काफ़ी है, लोग यहाँ पर लाइन में लगे हुए हैं, खाली उन्हें अपना लाइसेंस दिखाना है, हेलमेट लेना है। तो कुछ लोगों से भी हम जुड़ते हैं जिन्होंने हेलमेट पहना है। सर, आपको हेलमेट मिला है आज? जी हाँ, हेलमेट मिला है, बहुत अच्छा लग रहा है। इससे पहले हेलमेट क्यों नहीं पहनते थे? नहीं, इसके पहले हेलमेट था वो टूट गया हुआ था मैं, है ना। और एक खुशी की बात ये हुई कि किसी ने मतलब बताया कि यहाँ पे हेलमेट मिल रहा है, भाई साहब ने बोले आप ये पेपर लेके जाइए आपको हेलमेट मिल जाएगा। हम बहुत बहुत आभारी हैं ब्लैक ट्रक ट्रांसपोर्टर की। हाँ सर, मिला मैम। इससे पहले हेलमेट क्यों नहीं पहनते थे? था मैम, लेकिन गरीब आदमी है, क्या करें मैम, जो मिला जो दिए हैं तो लिए हैं मैम। पहनोगे ना हेलमेट? हाँ पहनेंगे मैम। तो हेलमेट को लेकर के भिलाई में एक जागरूकता अभियान अब जोर शोर से चल रहा है, और एडिशनल एसपी ने अपील भी की है कि ऐसी कई सामाजिक संस्थाएं जो समाज सेवा के क्षेत्र में कार्य करती है वे भी आगे आए और लोगों को हेलमेट दें, और ऐसे लोगों को हेलमेट दें जो ज़रूरतमंद है, जो हेलमेट नहीं खरीद पाते और किसी न किसी वजह से सड़क दुर्घटना के शिकार भी होते हैं, तो वो हेलमेट पहने। तो हेलमेट को लेकर के ट्रैफिक मंथ बीतने के बाद भी भिलाई में जो है जागरूकता अभियान काफ़ी चरम पर है। कोमल धनेसर, IBC 24 भिलाई।